أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप सबको आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हमने इसका दूसरा लेवल जो है कोर्स टू शुरू किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हुए इसको इसका पहला सफ़ा कर चुके हैं। दूसरे सफ़े पर आज इंशाल्लाह बात होगी और उसका पहला इशारा जो है उसको शुरू करेंगे। और इसके साथ ये याद रखें, एक अपने दिल को इत्मीनान देने के लिए और तसल्ली देने के लिए और बताने के लिए और तहरीक देने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह का कलाम सीखना शुरू किया हुआ है। कभी मुश्किल आए, जरा वो लगे, तो उसे हमने परेशान नहीं होना। हमने देखना यह कि हम कितना वक्त इसको दे पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपसे साथ ये भी गुजारिश जरूर करूंगा कि ये सवाल भी आपके लिए इसीलिए है कि आप जो किताब है ना उसके अंदर खुद साथ साथ एक एक चाहे एक टुकड़ा उठा लें, एक चीज उसका तर्जमा करें, एक आयत भी पढ़े। तो मुझे पता नहीं है, मैं ये बात कह देता हूं, बाज लोग कहते हैं शायद उन्हें मुनासिब नहीं लगती, लेकिन मैं इसलिए आप सबसे कहूंगा आप कम पढ़ लें कुरान। ये मेरा ख्याल है अब हम इसको छोड़ें कि नहीं आज मैंने इतना तो पढ़ के छोड़ना है, बस वो पढ़ के छोड़ना है, वो वाला सिलसिला ना करें। एक आयत पढ़ लें और अगर उस पर थोड़ी तवज्जो कर लें, गौर कर लें कि इसमें कौन सी चीज मैंने सीखी हुई है, किसका मतलब मुझे आना चाहिए, तो मुझे बहुत यकीन है कि इंशाल्लाह हम ज्यादा बेहतर तरीके से आगे पढ़ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा यही सिलसिला है, पहले होता था कि जी आपने पारा खत्म करना है या रुकू इतने खत्म करने हैं दिन में, तो अब जरा वो उस तरह से नहीं है सिलसिला। अब ज्यादा ये है कि कम से कम भी पढ़ा तो आयात की समझ आई या नहीं आई। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपको ये तो पता ही है कि हमने इस पारे को मुख्तलिफ कोर्सेज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, पहला पारा जो है। और जो ये पहला कोर्स हम कर रहे हैं इसमें हम इंशाल्लाह क्या करने जा रहे हैं कि हम पहले पांच सिफात इसके सफ़े जो हैं वो पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या मज़ामीन आएंगे, हमने शुरू कर लिया है मुत्तकीन के हवाले से हम पढ़ रहे थे, आज इसको हम आगे चलेंगे कि अच्छा मुत्तकीन तो ऐसे होते हैं तो काफरीन कैसे हैं उनकी बात होगी, फिर मुनाफिकीन, फिर कुरान की दावत और फिर आगे किस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और कैसे ये हिदायत का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये जनरल मज़ामीन ज़हन में रखेंगे इंशाल्लाह, जनरल जो ब्रॉडर लेवल है, तो नीचे के मज़ामीन और भी आसान होते जाएंगे, तर्जमा करते हुए आसानी हुआ करेगी। और आपको पता है कि हम क्या करते हैं, अपने हाथ को यूं करके सामने रख लेते हैं, ये डिवीजन करते हैं जो पहला सफ़ा था, फिर दो सफ़े के मज़ामीन और फिर दो अगले दो सफ़ात के मज़ामीन। अभी कुछ देर पहले मेरा बेटी और बेटी बेटा और बेटी जो है ना मेरे सामने, वो आपस में कर रहे थे, बेटी से हो नहीं रहा था तो बेटा कह रहा था ऐसे कर लो बहुत आसान है, और पता नहीं क्या क्या तरीके बता रहा था कि यूं हाथ ज्वाइन करके करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। बहरहाल मुझे भी शुरू में मुश्किल होती थी तो मैं यूं करके इन्हें यूं जोड़ देता था हाथ से कि ये लें ऐसे कर लिए। तो एनीवेज ये एक छोटी सी वैसे ही एक्टिविटी है, इस पर आप इसको एंजॉय करते हुए करें। तो पहले चार इशारे जरा आइए मेरे साथ दोहराइए, कौन करवाना चाहेगा, आप में से कोई करवाना चाहता है तो जी सर मैं करवाऊं। सिस्टर नहीद करवाइए, आपने हाथ खड़ा किया जी। सर अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीनियों के लिए दुआ और मुत्तकियों की सिफात। वेरी गुड, ठीक है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम पढ़ें तो क्या कहेंगे, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। वेरी गुड, सारे दुराले जरा मेरे साथ एक दफा, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। एक्सेलेंट, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, ये चार अब हमें पक्की हो गई हैं। अच्छा मैं एक और चीज आपको बताऊं यहाँ पे, ये सिर्फ आपको देखें पढ़ाने का एक तरीका सिखाया जा रहा है, रट्टा लगवाना मकसद नहीं है ये कि हमें यहाँ रट जाए, सिर्फ ये है कि जब आप मजमून को पढ़ेंगे, अभी तो ये शुरू वाला तो आसान मजमून है ना, शायद आपको लगे कि हाँ इसमें तो ऐसी वो मेहनत ज्यादा करवाई जा रही है इस पर, जो आगे मजामीन आएंगे ना तो उस वक्त ये इशारे जरा हमें हेल्प दिया करेंगे कि अच्छा मजमून ये चल रहा है। खुद मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं पढ़ते हुए किसी लफ्ज पे फंस जाता हूँ
तो सोचता हूँ कि मजमून क्या चल रहा है, किसका वाक्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो तर्जमा करने में आसानी हो जाती है। तो ये हमने शॉर्ट उसके आज अगला सफ़ा जो हम शुरू करने जा रहे हैं, आपको याद है कि हमने वो जो लाइन थी उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उसको पीछे कवर कर लिया था कि उस मजमून के साथ मिल रही थी। तो उससे आगे जो आयात चल रही है वहां से हम आज के जो चार इशारे हैं वो पहले तो क्या होंगे, उसी तरह काफरीन, ये अब चूंकि हम आगे चले गए तो हम कहेंगे काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ और दोरुखे। तो ये चार इशारे चलेंगे, इन पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले पहला जो इशारा है काफरीन को हिदायत नहीं। अब ये देखें मजमून शुरू ही यहां से हो रहा है, इन्नल्लज़ीना कफरू। अब कफरू से आपको पता है अल्लज़ीना कफरू, इन्ना का मतलब भी आपको आता है, अल्लज़ीना का भी आता है, कफरा कफरू इसका टेबल भी आपको आता है। तो यहां से आपको थोड़ा सा पता चल गया अच्छा काफरों की बात होने लगी है, ये मजमून है। तो इसमें हम इंशाल्लाह काफरीन को हदायत नहीं, अल्लाह ताला कह रहा है कि जो इनकार करने वाले इनको हदायत नहीं मिलने वाली, और फिर ये मजामीन आगे चलते जाएंगे। तो आज का सिर्फ आप ज़हन में रख लें। वैसे हम जो चार मजामीन देखें पढ़ेंगे वो कौन से हैं, हम कहेंगे काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफकीन को हिदायत नहीं, इन दोनों को हिदायत नहीं। अभी पीछे हमने कहा था ना मुत्तकीन हमने पढ़े, तो अगर उसके साथ आप जोड़ लें तो आपको आसानी भी हो जाएगी। देखें वहां से सिलसिला कैसे चला था, तारीफ अल्लाह ताला की हमने कहा, फिर हिदायत, फिर मुत्तकियों के लिए, और फिर मुत्तकीन की सिफात, और अब काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफकीन को हिदायत नहीं। तो वो ब्रॉडर मजमून ज़हन में लाएं, जो मैंने कहा था कि मुत्तकियों से बात शुरू हुई है काफरीन, और फिर मुनाफकीन, और फिर फसादी और दोरुखे, बेवकूफ और दोरुखे। ये चार मजामीन है हमारे, तो उनमें से हम जो ये शॉर्ट फॉर्म में यूं पढ़ लें आप उसको, मुत्तकीन की बात हो रही थी, काफरीन मुनाफकीन फसादी दोरुखे, काफरीन मुनाफकीन फसादी दोरुखे। अब ये चार मजामीन हम इस सफ़े पर पढ़ेंगे। और ये देखें ये हम दो हफ्तों में, आज की क्लास, कल की क्लास, फिर अगली, तो इसको हम 15 दिन में पढ़ेंगे। तो अगर 15 दिन में आप एक एक दफ़ा भी नमाज के बाद यूं अपना हाथ करें और आप कहें अच्छा काफरीन मुनाफकीन फसादी दो रुखे, तो मैं आपको यकीनन बता रहा हूं कुछ भी ना करें, कोई एडिशनल ना बैठें आप, तो ये इंशाल्लाह आपको याद हो जाया करेगा। तो आइए तारुफ की तरफ बढ़ते हैं। ये जो हमने सब पढ़ना है इसमें है काफरीन को हिदायत नहीं है, तो ये पहला इशारा आज का हमारा, दूसरे सफ़े का पहला इशारा, जो पहला मजमून है उसको लेकर हम चलेंगे। ताल्लुक जैसे मैंने पहले आपसे बात की कि पीछे हमने क्या कहा था, मुत्तकियों के बारे में बात की थी, और फिर मुत्तकियों की सिफात बताई गई थी कि ये खुदल्लिल मुत्तकीन, हिदायत मुत्तकियों के लिए क्यों है, क्योंकि ये क्या करते हैं, सबसे पहले ईमान लेकर आते हैं। फिर हमने कहा कि ये ईमान लाते हैं, ये यकीन रखते हैं, ये खर्च करते हैं, ये नमाज कायम करते हैं, ये तो इनकी सारी खूबियां हमने सिफात उनकी गिनवाई गई। अब ये हो गई मुत्तकियों की बात, अब किसकी बात हो रही है, जिन्हें हिदायत नहीं मिलेगी। तो ये कंपैरिजन भी हो जाएगा कि अच्छा हिदायत के लिए क्या कंडीशंस थी, 5, ईमान लाए, नमाज पढ़े, अल्लाह की राह में खर्च करें जो नाजिल किया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उससे पहले उस सारे के ऊपर ईमान रखें। तो अगर हम ये सारी चीजें यानी एक कंपैरेटिव भी जहन में रखेंगे तो इससे भी मजमून जहन में आ जाया करेगा। और फिर यहाँ पर अब वो लोग जिन्हें हिदायत नहीं मिलेगी, और क्यों नहीं मिलेगी, उसकी क्या वजह, तो ये आज हम इंशाल्लाह मजमून पढ़ने जा रहे हैं। इससे क्या असबाक होंगे, काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी, और दुनिया में उनकी सजा ये है कि उनके दिल, उनके कान और आंखों पर, उस पर मोहर कर दी गई, पर्दा डाल दिया गया, और फिर नतीजा क्या निकलेगा कि आखिरत में सजा मिलेगी, बड़ा अजाब मिलेगा। तो आइए सबसे पहले, आपको पता है, आपको ये बात भी अब समझ जानी चाहिए, अभी शुरू में इसलिए बार बार दिखाया जा रहा है कि हमने ये सिर्फ जो हाईलाइटेड है ये नई वाली चीजें हैं जो हम सीखने जा रहे हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ हमें आता है, वो मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा, उसके जरिए हम पढ़ेंगे। तो मकसद सिर्फ ये है कि ज़हीरा अल्फाज को फिक्रों की मदद से अपने जहन के अंदर हम ले आए। तो आइए हम इन अल्फाज को सीखने का तरीका क्या होगा, पहले तलावत, तर्जमा, उसकी तशरीह। तो सबसे पहले आयत मुबारक हमारे सामने है, हम इसको देख लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم
ام لم تنذرهم لا يؤمنون. तो माशाल्लाह पहला ही लफ्ज जो है ना इन्ना, जरा माना बताएं आप लोग. बेशक 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 सब बोले, सब सब बेशक 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 और साथ ही खुश हो रहे हैं कि आयत शुरू ही उससे हो रही है, इशारा शुरू ही उससे हो रहा है, इसका माना हम सबको आता है. ठीक है. अच्छा अब अल्लज़ीना, अल्लज़ीना का जरा माना बताएं मुझे. वो लोग, वो लोग जो, वो लोग जो, वो लोग जो, ठीक है, वो लोग बिल्कुल ठीक है. काफ़रा था काफ़रा, उसने इनकार किया, इसकी जमा काफ़रू, काफ़रू उन्होंने कुफर किया, उन सब ने कुफर किया, ये उन सब ने इनकार किया. ठीक हो गया. अब इन तीनों को जोड़ दें, इन तीनों को आपस में जोड़ दें. एक्सेलेंट. वो लोग जिन्होंने इनकार किया या जिन्होंने कुफर किया. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात शुरू की और ये बात आप सबको आती है, ये बात आती है सबको, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ तो ये खुश हुआ करें कि अब हम कुरान खोलते हैं तो हमें चीजें आती हैं. हम तो जब आती है उसे आप चीज शुरू करेंगे ना इंशाल्लाह आगे भी आता जाएगा. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. सो ये तो हमें आता था, बस माइक साथ साथ म्यूट करने आपने ये मेहरबानी फरमानी ताकि परेशानी ना. हाँ सवाउन, अब ये लफ्ज हमारे लिए जो पहला नया लफ्ज यहाँ पर आने लगा है वो है सवाउन, और इसका मतलब होता है बराबर है. क्या है? बराबर है. अच्छा ये जो लफ्ज है इसको हमने कहा सवाउन अलैहिम. अलैहिम का इशारा जरा आप लोग करें, मैं नहीं करूंगा. किस तरफ करेंगे, कितनी उंगलियों से? और ये देखें आपने ये अला का पूरा टेबल किया हुआ याद है आपको, अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैया. तो ये अलैहिम उन सब पर, ठीक है, उन पर, तो उनसे मुराद उन सब पर बराबर है. तो यू अब ये साथ साथ अप्लाई करते जाए इशारों से, उससे जो कुछ हमने सीखा हुआ. तो सोचें ये जो फिक्रा स्टार्ट हुआ उसमें भी आधी बात तो हमें आती है, तो आधी बात है सिर्फ सवाउन अलैहिम. तो सवाउन को याद हमें ये आसानी से यूं रहेगा अगर हम पूरे फिक्रे को कहेंगे सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर. तो जिन लोगों ने कुफर किया था, इनकार किया था, उनके लिए बराबर है ये, उन पर बराबर है. क्या? अअनज़रतहुम, आप में से कोई ट्राई करें, थोड़ी मुश्किल बात कह रहा हूं. अअनज़रतहुम टुकड़े कर सकते हैं इसके. अच्छा पहले तो एक छोटा सा सॉरी आए तर्जमा कीजिए. सवाउन क्या मतलब होगा? चूंकि जवाब सीखा था ना तो इसलिए सोचकर जवाब देना. आपने हमने कहा था सवाउन अलैहिम, तो बी बी नहीं, सोचकर जरा जवाब देना. सवाउन अलैहिम उन सब पर, ठीक है, वो सब बराबर है, ये सब बराबर है. हाँ उसके जमा के उसमें आ रहा है. चलें इसके टुकड़े करें, सॉरी वापस जा रहा हूं. अअनज़रतहुम के टुकड़े करें आप. सर सब लोग खुद से करें, तीन टुकड़े बोले बगैर, प्लीज बोले बगैर. चैट बॉक्स में करना चाहते हैं तो वहां कर लें, अभी बोलेगा कोई नहीं. और क्या तीन टुकड़े होंगे जरा ये मुझे बताएं. हाँ ठीक है माशाल्लाह. तीन वाली बात तो जबरदस्त हो गई कि आप सबको पता है तीन टुकड़े होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह गुड. मैं देख लें आज स्लो पेस इसलिए जा रहा हूं कि आपने जो पहले पढ़ा हुआ है मैं चाहता हूं उसको कनेक्ट करें और आपको लगे कि ये मुश्किल नहीं है, आसान है. माशाल्लाह हमारी सिस्टर नजफ जो है ना उन्होंने लिख दिया, और उससे पहले भी हमारी एक सिस्टर ने लिखा है, वो नाम गुजर गया, कौन है सिस्टर मरियम ने भी लिख दिया है. ठीक है वो कह रहे हैं कि जी हमारे ख्याल में, और सिस्टर नाजमा ने भी लिख दिया, आ अलग है आ, और अनज़रता है अनज़रता ता, ये माजी के जो चला करते थे ना उसमें से उसी तरह अनज़रता अनअमता आपको याद होगा. अनअमता और हम ठीक है. तो अब मेरा ख्याल है अब इस बात को समझना बहुत आसान हो गया आपके लिए कि अनज़रता हम आ का मतलब चाहे, अनज़रता आपने डराया, तूने डराया, हम उनको, तो चाहे आप उन्हें डराएं या उन्हें डराया. ठीक है ये बात आसान हो गई टुकड़े करके. अम लम
अम का मतलब हो गया या आन जरता हूं। एक दफा देख लें इसका तर्जमा, चाहे तुम डराओ उन्हें, ठीक है, अनजरता डराओ तुम हम उन्हें, ठीक हो गया जी। चलें अम लम, अम का मतलब है या, लम आप सबने पढ़ा हुआ है, हमने कहा था माजी का लम नहीं, याद है सबको ये, जब हमने मा ला लम लन ये चार ना वाले बात की थी, मा का मतलब नहीं, ला का मतलब नहीं, लम का मतलब डिड नॉट, लन का मतलब हरगिज नहीं, विल नॉट उस माना में। तो अम लम या ना, अब यहां पर उसी तरह तुनजिर हम, तुनजिर हम, तो तुनजिर हम आप डराएं उन्हें, हम उन सबको, तो या आप ना डराएं, तो लम की वजह से वो ना हो गया, या आप ना डराएं उन सबको। तो ये मजे की बात है, ये वैसे भी ज़हन में रह सकती है कि इन्नल्लज़ीना काफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम, के जो काफिर हैं जिन लोगों ने कुफर किया है ये बराबर है कि चाहे आप उन्हें डराएं या आप उन्हें ना डराएं, ये क्या नहीं करेंगे, तो ला युक्मिनून, युक्मिनून क्या क्या था हमने, वो ईमान लाते हैं युक्मिनून, लेकिन ला लग गया मुजारे के साथ ला लगता है, ला युक्मिनून, तो वो ईमान नहीं लाते हैं ये नहीं लाएंगे, दोनों माना बनेंगे ना, तो अब मजमून की मुनासिबत से क्या बना, वो ईमान नहीं लाएंगे, ला युक्मिनून नहीं वो ईमान लाएंगे जी। अब मुझे बताएं इस आया को आज अभी तक कोई बताए मुझे जिससे मुश्किल लगी है जी। नहीं सर कोई मुश्किल नहीं। हाँ मुझे साथ साथ फीडबैक, क्योंकि कुछ अहबाब का ख्याल है क्यूसी टू मुश्किल हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारी तादाद कम हो और लोग ये डरें, कुरान से तो हमने डरना ही नहीं, हमने वैसे भी कहा वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर, तो हमने इसको इंशाल्लाह आसान करना है, हम इसको स्लो कर सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लें, लेकिन इंशाल्लाह हम सब साथ साथ चलें और इसको सीखते हुए चलें। तो एनीवन जिसको कोई मुश्किल, जी सिस्टर सादत कुछ कहना चाह रही बेटे पानी में, सिस्टर सादत आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, बोलिए माइक सर। ये लम का आप थोड़ा फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। किसका लम, ये किस वक्त यूज होता है सिस्टर? अभी तो देखें जैसे ला तो, हाँ ठीक है बोलिए, ला जो है वो माजी के लिए था ना, ला मुजारे के लिए, लम डिड नॉट है लेकिन सॉरी, और मा, मा जो था वो माजी के लिए, ला मुजारे के लिए, और लम किस वक्त यूज होगा? अच्छा हम अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लम की आपने पूछ लिया है तो मैं वैसे ये चारों का शायद जिक्र भी ना करता, फिर लोग और इन्फॉर्मेशन, अभी हमारा फोकस यहाँ रहना चाहिए, वो डिड नॉट के लिए हमने कहा था माजी के लिए, ठीक है, लेकिन ये मुजारे पर एंटर होता है, तो अभी यहाँ पर इसका मतलब नहीं की सेंस में आप याद रखें, ला भी नहीं और लम भी नहीं, अम लम या आप ना डराएं उन्हें, ला युमिनून वो ईमान लाने वाले नहीं, ठीक हो गया जी। चलें अब कफरू का मतलब हमें पता है कौन है, इनकार करने वाले, तो ये वो लोग हैं जिनके सामने हक पेश किया गया और उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते इसको, उसकी वजह क्या हुई, दो वजूहात हो सकती हैं, या तो तकब्बुर के इस, क्या ये हमसे ज्यादा इनको पता है और जो अक्सर होता है, या फिर शक कि पता नहीं ये सही बात है या नहीं है, तो ये दोनों चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं इनकार में, तो हमें ख्याल करना है इसको करते हुए। आगे क्या कहा जा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि आप मक्का के लोगों को दावत देते थे और पूरी कोशिश करते थे, और आप सोचें कौन दावत दे रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप हमारी क्या मजाल है ना, तो वो अब आपकी बात नहीं मान रहे, तो अल्लाह भी फरमा रहा है कि आप इन्हें दावत दें, आप डराएं ना डराएं, इन्होंने ईमान लाना ही नहीं है। तो अच्छा अब इससे हम ये बात सीख गए, जरा एक दफा आप पहले आप लोग इस पर और गौर कर लें 30 seconds, फिर हम आगे बात को बढ़ाते हैं।
अच्छा यहाँ ये चीज भी हमने ज़हन में रखनी है कि उन लोगों ने कुफर किया तो बराबर है उन पर, चाहे आप डराए उन्हें या आप ना डराए उन्हें। तो अब ये आप कौन है, इसलिए खास तौर पे ये जो आया यहाँ पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, उन्हें कहा जा रहा है कि आप इन्हें डराएं या ना डराएं। अब देखें जब आप यूं सेंस बनाएंगे तो तर्जुमा और आपको बात क्लियर हो जाएगी कि अच्छा ठीक है चले ओके अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने पढ़ ली। आगे बात करते हैं, खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। खत्म अल्लाह, ये खत्मा माजी का है, खत्मा उसने मोहर लगाई या उसने खत्म किया, खत्मा मोहर लगाना जो होता है ना मोहर, या आपको पता ना कोई चीज हम लिफाफा बंद करें ऊपर मोहर लगा देते हैं बंद, तो खत्म अल्लाह। अच्छा ये भी आप क्यूसी वन में ये कुलिया पढ़ चुके हैं, खत्म अल्लाह उसने मोहर लगाई और आगे अल्लाह आ गया तो किसने मोहर लगाई, अल्लाह ने मोहर लगा दी है, ठीक हो गया। कोई वैसे पूछूं आपसे ये क्यों कैसे आ गया उसने की जगह अल्लाह, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला याद है किसी को तो बताएं कैसे पता चल रहा है हमें अल्लाह कैसे सब्जेक्ट बन गया, अल्लाह पे पेश, अल्लाह के ऊपर पेश लगा हुआ है लास्ट में। माशाल्लाह आप लोग तो बड़े एक्सपर्ट हैं, तो फिर ऐसे डर रहे हैं, जबरदस्त हो गया खत्म अल्लाह। अक्सर लोग इस स्टेज पर आने तक ये चीजें थोड़ी सी हिला चुके होते हैं, लेकिन माशाल्लाह तो उसने मोहर लगाई अल्लाह, अल्लाह ने मोहर लगा दिया किस पर, अल्लाह का माना बोले सब लोग बोले पर। चाहे आप माइक ओपन भी किया करें जब मैं कहूं बोले तो एक दफा बोले जरूर, ठीक है। तो खत्म अल्लाह, अल्लाह ने मोहर लगा दी पर किस पर, कुलू भी हिम, कितने टुकड़े हैं इसके, दो दो तो हो गया। और कुलूब का मतलब मुझे यकीन आपको आता है, तो इसमें कोई बात ऐसी नहीं आई, हालांकि ये देखें ये हमने नए वाले को इसको हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको, अब सिर्फ फर्क ये पड़ता है अगर आप गहराई में इसको देख लेंगे ना, आप कहेंगे अच्छा ये तो मुझे आता है, जब आपकी पहली नजर पड़ती है आप कहते हो ये बड़ा मुश्किल है, अब जब ब्रेक करके समझना शुरू करेंगे ना, तो मैं इसलिए आप सबसे फिर दरख्वास्त करूंगा कि कुरान को इस तरह देखना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप खुद ब खुद इसको। तो खत्म अल्लाह, लगा दी मोहर अल्लाह ने अला पर कुलूबिहिम, उन सबके दिलों पर, व अला और पर समिहिम। अच्छा ये बात खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर। चले आपसे पूछ भी लेते हैं अला कुलूबिहिम क्या मतलब होगा, सोच के जवाब देना है और सही जवाब देना है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ए बी सी डी क्या है, बी डी डी नहीं बोले नहीं ना, इसको बोले नहीं, चैट बॉक्स में लिखा करें इसको, ताकि चैट बॉक्स भी सिर्फ मैं अपने लिए कर देता हूं ताकि मुझे पता चला करे कि कौन क्या कह रहा है। और जबरदस्त, उन सब के दिलों पर, अला कुलूबिहिम उन सब के दिलों पर, एक्सेलेंट। चलिए वा अला और पर समइहिम, समइहिम सम इहिम से कुछ याद आ रहा है, कोई इससे मिलता जुलता हमने कुछ पढ़ा हुआ है पहले बताएं, हम कहते हैं समात सुनना, सम इहिम उनके सुनने पर यानी उनके कानों पर, यूं इसका माना बनाइए, उनके कानों पर यानी उनके सुनने पर, उनके कानों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, दिलों पर भी और कानों पर भी मोहर लग गई। तो ये आसान लफ्ज था सम इहिम, उनके कानों पर, उनके समातों पर असल में, ठीक है जी। व अला और पर, ये भी आसान है, अब सारी हिम, अब सार भी सबको माना आता होगा, ये हमने आसान है, बसारत, बसारत है ना, बसारत देखना, असर जमा अबसार आंखें, हिम और उनकी आंखों पर क्या किया, सिर्फ एक लफ्ज यहाँ पर आप देखें ना तो नया बन रहा है, सिर्फ एक लफ्ज, वो है गिशावा। और गिशावा जरा मुझे ये बता दें बस आप लोग कि ये इसम फेल हर्फ में से क्या होगा, इसम 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 ये मैं जानता आपसे यहाँ बनता नहीं था, ताकि आपको ये पता लगे कि आपको चीजें आती हैं, इसका कुछ ना कुछ आपको पहले फिर भी पता है, सो ये इसमें बिल्कुल ठीक। तो गिशावा पर्दा,
पर्दा है कहां? उनकी आंखों पर. वेरी इजी है ना, उनकी आंखों पर पर्दा है. अल्लाह ने उनके दिलों पर और समातों पर, कानों पर मोहर लगा दी है और पर्दा डाल दिया है उनकी आंखों पर. और ये लैंग्वेज शावा का आप तर्जमा भी एक दफा देख लें क्या होगा. ए बी सी डी जल्दी से बोलें. चल एक्सलेंट. पर्दा और वलहुम अजाबुन अजीम, ये तो आप सब तर्जमा कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगा. कौन करवाएगा? आप में से हाथ खड़ा करें उससे मैं करवाऊंगा तर्जमा. जो हाथ खड़ा करेंगे उनसे. सिस्टर नहीद कीजिए. और उन सब उनके लिए, उन सब के लिए. और उन सिस्टर थोड़ा ऊंचा बोले, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही बिल्कुल. वा और सर आ रही है? लाहुम उन सब के लिए. हाँ ये वाला है लाहुम है ना. जी जी उन सब के लिए जी. अजाब यानी कि अजाब अजीम बड़ा, बहुत बड़ा. वेरी गुड. बड़ा अजाब. एक्सीलेंट हो गया माशाल्लाह. आपने खुद ब खुद उसका तर्जमा कर. उनके लिए बड़ा अजाब है. बिल्कुल और उनके लिए बड़ा अजाब है. सो मोमिनों के दिलों में तक्वा होता है, काफिरों के दिलों पर मुनाफिकों के दिलों में बीमारी. तो ये हमने सीखा. काफिरों के लिए दुनिया में सजा क्या होगी? उनके दिल और कानों पर मोहर, आंखों पर पर्दा. तो ये देखें, ये जो पर्दा है ना आंखों का, कितना प्यारा एक्सप्रेशन यूज हुआ है, इसको ध्यान में रखें. ये तो ये अल्लाह ने ऐसा पर्दा डाल दिया, ये जो बंद हो जाता है, पर्दा पड़ जाता है तो हमें नजर कुछ नहीं आता ना. तो उन पर ऐसा पर्दा पड़ गया कि हिदायत का नूर उनके दिलों में दाखिल ही नहीं हो सकता, और ना आंखों से देख सकते हैं ना सुन सकते हैं. और जब दिल जो मरकज का आ गया है, अब उस पर ही मोहर लग गई, तो फिर कोई नसीहत कुछ फायदा ही नहीं पहुंचाता, आप जो मर्जी उन्हें कहते हैं. और ये तो दुनिया में उनका अंजाम है, और आखिरत में क्या होगा? अजाब अजीम. और तसव्वुर करें कि एक तो अजाब मिलेगा. कौन अजाब देने वाला? अल्लाह. दुनिया का कोई आम बादशाह हो ना तो वो बड़ी तकलीफ देता है लोगों को, जी वो गरीब किस्म की तकलीफ और तशद्दुद के तरीके लोगों ने निकाले हुए. लेकिन यहां अल्लाह अजाब देगा, और अल्लाह कह रहा है कि अजाब अजीम मिलेगा, आम अजाब नहीं होगा, खाली अजाब नहीं. वलहुम अजाब पर बात नहीं, वलहुम अजाबुन अजीम, बहुत बड़ा अजाब. अल्लाह हमें उससे महफूज रखे. अस्तग़फिरुल्लाह. तो आइए एक दफा रवां तर्जुमे में पढ़ लेते हैं. बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उन पर बराबर है, आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे. ला युमिनून खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर कर दी है उनके दिलों पर. व अला समइहिम और उनकी समातों उनके कानों पर. व अला अबसारिहिम गिशावा और उनकी आंखों पर है पर्दा. वलहुम अज़ाबुन अज़ीम और उनके लिए बड़ा अजाब है. तो मुझे यकीन है आपको ये आसान लगा होगा सबक. काफिरों को हदायत नहीं मिलेगी, हम पहले भी बात ये की थी. और दुनिया में मोहर और पर्दा और आखिरत में बड़ा अजाब. तो मजमून के हवाले से जो दुआ हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे, हम उसे याद करने की कोशिश कर लेते हैं. बहुत आसान है. अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका. अब ये मजमून तो आप सबको पहले याद होगा. अल्लाहुम्मा इन्नी, ए अल्लाह बेशक मैं आऊज़ु बिका तेरी पनाह में आता हूँ या पनाह चाहता हूँ. किससे? मिनल कुफ्री वल फक्री वल अज़ाबिल व अज़ाबिल कब्र. कुफ्र से यानी इनकार से, फक्र फाके से, और कब्र के अजाब से. आसान दुआ है. अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फक्री और व अज़ाबिल कब्र. जी कोई सुनाना चाहता है ये दुआ? आसान है, साथ साथ कर लिया करें. अब देखें मैं भी आप लोगों के साथ साथ अपनी दुआएं. अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फक्री व अज़ाबिल कब्र. व अज़ाबिल कब्र. एक्सीलेंट. और एक कोई ये भी सुना दें सिस्टर. सारे आगे नहीं है कि आप खड़े हुए हैं. चलें सिस्टर सारा सुना दें. चलें اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. الحمد لله. تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے سچ بولنے سچ سنیں. اس سبق میں آنے والے اسماء بڑے آسان تھے. قلب سے قلوب اس کی جمع بنی اور بصر سے ابصار. ٹھیک ہے تو یہ جمع آپ کو پتہ نا اس کو ہم جمع مکسر یا ٹوٹی پھوٹی جمع یہ وہ والی جمع بن رہی ہے.
ये दो इस्म हमने इस्मा में से जो हमने अभी पढ़ना चाहिए जिनकी जमा की, सो बसर की क्या जमा है? बस बसर और अबसार, ठीक है जी, भी हो गया। और अफाल में से हमने क्या पढ़ा है, आपको पता है ना, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ सेहतमंद अफाल और भी हो सकते हैं लेकिन उन पर तवज्जो करते हैं। तो एक तो आपको पहले ही आता है नासरा के वजन पे काफरा, तो काफरा का पूरा टेबल आपको आता है। काफरा हम शॉर्ट टेबल कर रहे हैं, काफरा यकफुरु उकफुर काफिर मकफूर कुफर, ठीक है। कोई आप में से इसका पूरा टेबल ट्राई करना चाहता है? वक्त तो हो गया लेकिन चलें चैलेंज देता हूं, पूरा टेबल काफरा का जल्दी करवाना पड़ेगा। सिस्टर नजफ मसूद करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। कफारा कफरू कफरता कफरतु कफरतुम कफरना यकफुरु यकफुरुना तकफुरु अकफुरु तकफुरुना नकफुरु नकफुरु उकफुर उकफुरु ला तकफुरु ला तकफुरु काफिरुन मकफूरुन कुफ्र। एक्सीलेंट सिस्टर, माशाल्लाह। ये आपने ये भी साबित कर दिया कि शॉर्ट टेबल से मुझे अब तसल्ली हो गई कि हमारे सब अहबाब इसका बड़ा टेबल भी बना सकते हैं। और खातमा आज नया फेल था हमारे लिए, लेकिन ये दाराबा के वजन पे, इसलिए ये भी आसान होना चाहिए। दाराबा यद्रिबु इद्रिब के वजन पर, तो खातमा यख्तिमु इख्तिम खातिम मख्तूम खत्म, ठीक है जी। खातमा उसने मोहर लगाई या उसने खत्म किया, यख्तिमु वो करता है इख्तिम कर, खातिम करने वाला मख्तूम, ये देंगे खातमुन नबीयीन अंबिया के सिलसिले पर मोहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मख्तूम और खत्म, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज की क्लास में चलें काफरू का ये छोटा सा चैलेंज भी साथ साथ करें। फेल मुदारे क्या होगा काफरू का, आप सबको आता है, यकफुरून। और नख्तिमु का फेल माजी बता दीजिए, अभी अभी पढ़ा है आपने, नख्तिमु ये है और माजी में आ जाएंगे तो जबरदस्त खत्म ना, ठीक है जी। आइए अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही हमारा सबक का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। कोई बात आप कहना चाहिए कहते हैं तो कह लीजिए, मुझे भी एक दो मिनट सांस ले लूंगा और आपकी बात भी सुन लेते हैं और फिर हम इंशाल्लाह दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। काना आएगा। अच्छा ये बताएं आप लोग, चूंकि अब ये कुछ लोग कहते हैं कि जी QC2 मुश्किल हो गया या इस तरह से, तो मेरी जाती तौर पे तो यही होगी कि हम इंशाल्लाह कोशिश तो इसी घंटे के अंदर किया करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आप डेडिकेटेड हैं, वक्त भी निकाल रहे हैं, सीख भी रहे हैं, तो आपकी क्या राय है अगर हम कोई 5-7 मिनट, ताकि आपकी आसानी के लिए आई विल ट्राई कि हम घंटे में वो, लेकिन ये चूंकि लेवल थोड़ा ऊपर चला गया तो कभी ऊपर जाएं तो इज दैट ओके, मतलब अगर हम 10 की जगह 10 तक चले जाएं, कभी कोशिश तो किया करेंगे इंशाल्लाह उसके अंदर ही करें तो। जी सर ठीक है, हो सकता है 10, ठीक है। हाँ नहीं जनरल सब लोग कहें, मैं नहीं चाहता कि कुछ लोगों के कहने से बाकी कहें जी हमें भी साथ दिया। नहीं बिल्कुल ठीक है सर, इंशाल्लाह ठीक है। ठीक है सर, 10 मिनट तो वैसे भी एक्स्ट्रा लग जाते हैं उसके बाद जब सवाल जवाब होते हैं, तो कोई नहीं। हाँ लेकिन वो सवाल जवाब में तो देखें हमने ऑप्शन दिया होता है ना, जिसकी दिल चाहे वो बैठे। अलबत्त अगर आप सबकी राय ये होगी तो मैं इसको इसलिए स्लो डाउन कर दूंगा कि हम सीखें समझें, हमारा मकसद कोर्स को खत्म करना नहीं होना चाहिए। जी ब्रदर है ही? सर आपकी वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑफ हो गई है, ओ सॉरी माजरत। चलें तो माशाल्लाह जी मोस्ट ऑफ यू, आप सब ने ये कह दिया कि कोई मसला नहीं है, तो मैं फिर भी मेरी कोशिश ये होगी इंशाल्लाह कि हम इसी वक्त में करें, ताकि आप सब ने जो अपने स्केड्यूल और टाइम रखा हुआ उस हिसाब से रहें। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए मुझे एहसास हुआ कि शायद स्पीड मेरी ज़्यादा होती है तो उसको कम करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। अच्छा 10 मिनट तक तकरीबन एग्रीमेंट हो गया कि हम इतना ऊपर ले सकते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने काना का आज जो फेल है वो उसको करना है,
और काना का जो फेल है ना, इस पे हमने थोड़ी बहुत बात की हुई है। किसी को याद है कि उसी वन में कहां पे आया था काना का? कोई वो हमने पढ़ा था इजा जा नसरुल्लाह वल फत वराइत الناس يدخلون في دين الله الله كان تواب हां فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان। अच्छा उस वक्त क्या बताया था आपको इसका माना काना का? है, वैसे तो नहीं बताया था मैंने, सही माना भी बताया था और ये भी बताया था है क्यों आता है। हाँ। ये कौन बात बताया था की वजह से था। बिल्कुल ठीक है, देखिए असल इसका माना वही है, वो था। वहां पर हम इसका तर्जमा है क्यों करते हैं बताए? क्योंकि अल्लाह ताला के लिए हमने कहा था इन्नहु काना तवाबा, बेशक वो अल्लाह था, तो अल्लाह जो है। तो इसका मतलब है ये भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले से माना आता है, इसलिए ये मुश्किल नहीं होगी। और चूंकि ये आएगा भी इससे मिलता जुलता काला हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए वो भी मुश्किल नहीं होगी। तो ये बात हम बार बार दोहरा रहे हैं। अब मुझे आप बताएं, पहले तो बताएं कौन से कमजोर हरूफ हैं? हमजा, वाव या। नहीं, वाव या और अलिफ। वाव या अलिफ। हमजा ना भी कहें, वाव या अलिफ अभी कहें, ठीक है जी? हमजा तो नहीं है कमजोर। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमने क्या कहा है कि अगर किसी एक हरफ में आ जाए तो ये क्या करता है? फेल को कमजोर बना देता है, पूरे कमजोर कर देता है फेल को। ये हरूफ में से तीनों में से कोई आ जाए तो ये पूरे के पूरे को कमजोर कर देता है। ये बात हमारी अच्छी हो गई, ठीक है। अच्छा फिर इसके बारे में दो बातें मैं नहीं दिखाऊंगा, आप लोग मुझे बताएं कौन सी दो बातें हमने सीखी हैं। टीम वर्क करते हैं और एक दूसरे के साथ बदल बदल क्या जगह बदल लेते हैं। बिल्कुल ठीक, एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं और गायब भी हो सकते हैं। एक्सीलेंट। तो या तो उन चार अबवाब में से किसी एक के वजन पर आते हैं, जो चार हम पढ़ चुके हैं, चार अबवाब जो हमने क्यूसी वन में किए थे, उनमें से किसी एक के वजन पर होंगे। पहली बात तो ये पक्की है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह अब हमने एक आगे स्टेप जाना है, तो इसलिए ये बात अब यहाँ पर तो इस कदर पक्की हो जानी चाहिए कि कोई बहाम ना रहे, ताकि जब हम आगे बढ़े तो इसमें शक ना रहे कि आएंगे इन चार बेसिक अबवाब पर, ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे, ये थक जाते हैं, जब थकते हैं तो फिर क्या करते हैं, गायब हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बदल कर, एक दूसरे का सहारा बनकर आना शुरू हो जाते हैं। और अरबों ने ये इसलिए किया कि उन्हें बोलने में आसानी हो, वो उसको उस तरह से कह पाए। और ये टेबल माशाल्लाह मैं देख रहा था, ब्रदर अब्दुल हई बड़ा जबरदस्त आप सबको करवा रहे थे, अभी भी चलें अगर कोई करना चाहता है तो एक दफा कर लेते हैं। कौन करवाएगा? जी आज सारे काम सिस्टर नहीद करवाएंगी मुझे लग रहा है। अब कोई और भी कोई कहना जी, कोई और आप खड़े, सिस्टर अरुमा चलें आप करवाइए। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा उसने वादा किया, वादा वहाबा उसने अता किया, वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला उसने कहा ज्यादा उसने बढ़ाया, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दुआ उसने दुआ की, हदा उसको हिदायत मिली। एक्सलेंट। अच्छा अब अगर आपको देखें, अगर आपको याद हो जाए ना, वहाबा उसने अता किया, वादा उसने वादा किया, तो बस गुड हो गया, कौला उसने कहा, ज्यादा उसने बढ़ाया। एक्सीलेंट। अगर आपको ऊपर वाली तो हमने इसको याद कराने के लिए कही थी ना, वो कोई मतलब लाजिम नहीं है। अब होना ये चाहिए आपको कभी भी वहाबा लफ्ज आ जाए तो आपको माना आना चाहिए, ठीक है। तो दाया उसने दुआ की और हदा उसने हदायत की, जी तो ठीक हो गया। और ये अच्छा जो याद रखने वाली बात है यहाँ पर वो ये है कि वहाबा फताहा के वजन पर है, और जितने वहाबा की तरह के हमने अल्फाज कहे वो कहाँ आएंगे, वो फातहा की तरह, और वादा दाराबा की तरह है। तो वहाबा के साथ हमने और क्या पढ़ा था, किसी को याद है या भूल गया? वहाबा की तरह का
वादा। हाँ, और उसका मतलब क्या था वादा? उसने रखा, उसने रखा, ठीक है। सिस्टर साइमा, तो हमने वहाबा के साथ नहीं पढ़ा था? हाँ, वहाबा वादा आ, ठीक है। आप क्या कह रही हैं सिस्टर, पूछिए। सर मैं कह रही थी कि वादा तो हमने वहाबा के साथ पढ़ा है ना, आपने वादा का नहीं पूछा, वादा का पूछा। नहीं नहीं, वादा आ कह रहा हूँ, ये कंफ्यूज नहीं करना अक्सर लोग, वादा वो है, वादा आ, वादा आ ये है, वादा जी, ठीक है। तो मैंने वही कहा है कि वहाबा वादा आ की तरह, और वादा की तरह हमने क्या पढ़ा है, वादा की तरह वाजदा, उसका क्या मतलब है? उसने पाया, उसने पाया, एक्सलेंट। वादा उसने वादा किया और वाजदा उसने पाया, एक्सलेंट, वेरी गुड, वी आर गोइंग ग्रेट जी, माशाल्लाह। आप सबको याद है, दोहराई भी हो रही साथ। अब आ गया कौला, क्या मतलब था कौला? उसने कहा, उसने कहा। बिल्कुल ठीक है। तो आप में से कोई करवाना चाहता है काला का पूरा टेबल? अभी करवा देंगे तो आगे हम कनेक्ट करेंगे तो काना आसान हो जाएगा। करवा दें मुझे एक दफा, हाथ खड़ा करें ताकि मैं नाम लेके ले लेता हूँ। जरा नए 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 सिस्टर साइमा फरुख करवा दें, करवाइए। सर तर्जुमे के साथ? हाँ जी, तर्जुमे के साथ बिल्कुल। काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, कालता तुमने कहा, काल तू मैंने कहा। नहीं यार रुके ना, यही तो बात है ना, अब ये तब्दीली आनी है इसमें। उल्टा उल्टा, अब मुझे बताएं क्या हुआ इसमें। नहीं पहले रुके और पहले मुझे बताएं अब ये हुआ क्या है। अलिफ गायब हो जाएगा। अलिफ, हाँ जी, अलिफ जो कमजोर था ना ये गिर गया है। तो उल्टा चले, उल्टा तुमने कहा, कुल तू मैंने कहा, कुल तुम सब ने कहा, कुलना हम सब ने कहा, और कालत उस औरत ने कहा। हाँ काल, ठीक है, औरत वाला। फिर मुजारे में यकूलू, यकूलूना यकूलू वो कहता है, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू तुम कहते हो, तकूलूना तुम सब कहते हो, अकूलू मैं कहता हूँ, नकूलू हम सब कहते हैं, तकूलू वो औरत कहती है। और अमर और नहीं में कुल कह, कूलू मत कह, ला तक सॉरी कुल कह, कूलू कहो, ला तकुल मत कह, ला तकुलू मत कहो। जी, इसम फाइल सिस्टर और इसम मफूल। फाइल मकूल और कायलुन, सॉरी कौल, कौल सही है बिल्कुल, कायल मकूल और कौलुन, माशाल्लाह ये कौल, एक्सीलेंट सिस्टर, आप पास हो गई हैं, आपने ये चैलेंज लिया और बड़ा अच्छा करवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही जबरदस्त हो गया, बहुत ही दिल खुश हुआ कि हमारी अभी इस लेवल पर इतनी प्रैक्टिस, इतना अच्छा करवा देना, बहुत ही जबरदस्त बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब काना सबको आ गया समझे, काना इतना आसान हो गया कि वो आ गया, क्योंकि वो काला के वजन पे है। तो इसका भी हरफ कौन सा कमजोर है? अलिफ, ठीक है जी। और काना का मतलब वो था भी आप सबको पहले आता है, और रेफरेंस क्या है? मा काना इब्राहिम यहूदी यम वला नसरानी या। बाय द वे एक वैसे ही सवाल पूछूं आपसे, यहां आपको क्या लग रहा है मां का कौन सा माना आया होगा? नहीं नहीं, वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब आप, आपको याद है क्यूसी वन में आप बार बार सवाल करते होते थे कि सर ये माँ के डिफरेंट माना है, कौन सा आया करेगा, क्या कहाँ आएगा, कैसे पता चलेगा? अब पता चलना शुरू हो गया, तो इसलिए कुछ चीजें आहिस्ता 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 रिवील होती है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब देखें माशाल्लाह आपको एक्सप्रेशन मजमून से चीजें जो है वो पता चलनी शुरू हो गई। तो मेरा ख्याल है ये तो आप सब तर्जमा भी कर सकते हैं इसका बड़ी आसानी से। चलें, तो काना काला के वजन पर है, तो एक दफा मैं करता हूं, अब तो मैं मुझे वैसे करने की जरूरत नहीं, अब आप सारे खुद ही एक्सपर्ट हो गए। काना वो था, कानू वो सब थे, तो क्या कहेंगे? कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, और कानत औरत भी अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं इसको भी, वो औरत थी।
چلیں سسٹر نوشابہ آپ کروائیے سب سے پہلے پریکٹس. سسٹر نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیں اور پریکٹس کروا دیں. چلیں اگر وہ نہیں کروا رہی تو بردر نوید احمد خان مجھے سن رہے ہیں تو وہ کروا لیں. کانا وہ تھا, کانو وہ سب تھے, کنتا آپ تھے, کنتو میں تھا, کنتم آپ سب تھے, کننا ہم سب تھے, کانت وہ عورت تھی. ایکسلنٹ بردر, زبردست ہو گیا. سسٹر آئی پیڈ کروائیے آپ اگر نام لکھیں تو. سر میں اپنا نام تو لکھتی ہوں زاہدہ لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں آتا. کانا وہ تھا, کانو وہ سب تھے, یہ اور بھی کوئی بول رہا ہے ساتھ. کانا وہ تھا, کانو وہ سب تھے, کنتا آپ تھے, کنتو میں تھا, کنتم آپ سب تھے, کننا ہم سب تھے, کانت وہ عورت تھی. ویری گڈ, کننا. اچھا چلے سسٹر نسرین پہلے آپ کروا لیں پھر ہم کسی اور کو دعوت دیتے ہیں. کروائیے سر. کانا وہ تھا, کانو وہ سب تھے, کنتا آپ تھے, کنتو میں تھا, کنتم آپ سب تھے, کننا ہم سب تھے, کانت وہ عورت تھی. ایکسلنٹ, ویری گڈ, آپ نے بہت اچھا کروایا ہے. اور ایک اور کروا کے پھر آگے چلتے ہیں. یہ سسٹر آسما ہے, آپ کروائیے سسٹر. سسٹر آسما کروائیے, سن رہی ہیں آپ؟ کانا وہ تھا, کانو وہ سب تھے, تھوڑا سا آپ تھے, کنتو میں تھا, ہم سب تھے, کانت. ایکسلنٹ سسٹر, بہت خوب, بڑا اچھا کروایا آپ نے. اچھا جی, تو اب ہم نے یہ پہلے والا تو فعل ماضی کی چابی اور اس کے سیگے ہو گئے, ٹھیک ہے جی. کنتم اب یہ تو ابھی آپ نے کیا تو فوری آپ کو جواب آ رہا ہے. ایک اچھا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مکینیکلی ہو جائیں کہ اشاروں کے ساتھ ہمیں پتا ہو, آہستہ آہستہ انشاءاللہ. تو آپ ذرا غور سے دیکھ کر بتائیں مجھے کیا بنتا ہے. کنتم, ہاں جی, سی والا بنتا ہے, بی تو نہیں بنتا نا. کنتم یہ ہوگا نا, وہ سب یہ ادھر ہوتا ہے, کانا کانو وہ سب تھے, تو یہ ہے کنتم سامنے, تم سب تھے, ٹھیک ہے جی. الحمدللہ, آئیے جی. اچھا آج ایک نئی تھوڑا سا کانسیپٹ جو ہے نا وہ ہم یہاں پر اپلائی کرنے لگے ہیں. بالکل کوئی مشکل نہیں ہے, ٹیبل تو ویسے ہی آسان ہے, لیکن یہ کانسیپٹ تھوڑا سا آج ہم نے سیکھنا ہے. آپ کو یاد ہے نا ہم نے عامل یعمل یہ پچھلے والے کورس میں یہ کیا ہوا ٹیبل, ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا تھا یعمل وہ کرتا ہے, یعملونا وہ سب کرتے ہیں, تعملو آپ کرتے ہیں, عملو میں کرتا ہوں, تعملونا آپ سب کرتے ہیں, ناملو ہم سب کرتے ہیں, ہاں عمل کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, اس طرح سے. یہ یاد ہے آپ سب کو کہ نہیں بتائیں؟ جی یاد ہے سر. یاد ہے, ٹھیک ہو گیا. اب آج ایک نئی چیز جو یہاں تھوڑا سا کانسیپٹ ہم سیکھنے جا رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ مضارے کے ساتھ جب ہم شروع میں کانا کو لگاتے ہیں, یعنی ماضی کو لگاتے ہیں. اب کانا کیا ہے؟ یہ ماضی ہے. یہ کیا ہے؟ ماضی ہے. اس کے ساتھ ہم نے مضارے کو جوائن کیا ہے. جب ہم انہیں جوائن کرتے ہیں نا اس کے ساتھ تو یہ ماضی کیا کہوں اس کو میں, جاری بن جاتا ہے. یا یہ کیا ماضی استمراری ہم نے کیا تھا؟ ہاں استمراری, بالکل بالکل کیا تھا ماضی. میں اصل میں استمراری کہنا نہیں چاہ رہا تھا نا, تو وہ ماضی پاس کنٹینیوس کی طرح کا استمراری چلے بن جاتا, ٹھیک ہے. تو بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مل کر کیا بن جائیں گے, کانا یعملو. تو ہم کیا کہیں گے؟ کانا یعملو. قرآن میں اس طرح کے بہت سے جملے یوں آئیں گے, لہٰذا یہ اب آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے. کانا یعملو وہ کرتا ہے, کانو یعملونا وہ سب کرتے ہیں, کنتا تعملو آپ کرتے ہیں, کنتو عملو میں کرتا کرتا تھا. ہاں یعنی کرتا جا رہا ہے کام کو. کنتو اس طرح بھی کر سکتے, وہ کیا کرتا تھا, یعنی کنٹینیوس کی سینس میں آ جائے.
हाँ वो इसी सेंस में बन रहा है। सो कुन्ना नामलू, हम सब करते थे। तो इसको आप एक यानी इसको हम अगर अच्छा से दोहरा लें जी, कौन दोहराएगा करवाइए जी, सिस्टर करवाइए, सिस्टर ये नाम इनका सिस्टर लुबना मीर करवा दीजिए। सर ये क्या कहलाएगा, काना या मलू, ये जो कह रही है माजी इस्तमरारी, माजी इस्तमरारी फेल हाल जारी, ये अलग से टेंस है, फेल माजी जारी, मतलब ये माजी मुजारे में नहीं आएगा। नहीं जाहिर है वो माजी और मुजारी दोनों मिले हुए हैं और आपकी किताब के अंदर भी इसको इस्तमरारी लिखा हुआ, लिहाजा ठीक है आप उसी सेंस में उसको ज़हन में रखें। सर इसको हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस भी एक तरह का कह सकते हैं। जी बिल्कुल इस्तमरारी मेरे लिए जरा उर्दू की टर्म्स ही मुश्किल होती है, मैं पास्ट कंटीन्यूअस ही कह रहा था, तो इस्तमरारी भी ठीक है। ठीक है जी, हाँ ये लिखा हुआ पास्ट कंटीन्यूअस का माना देंगे। चलिए कीजिए जी। काना या अमलु, वो करता था, कानू या अमलूना, वो सब करते थे, कुंता ता अमलु, आप करते थे, कुंतु अमलु, मैं करता था, कुंतुम ता अमलूना, आप सब करते थे, कुन्ना ना अमलु, हम सब करते थे। एक्सेलेंट, ठीक है सिस्टर इरम आप भी करवा दें। कानत ता अमलु, वो औरत अमल करती थी। एक्सेलेंट हो गया जी, ये तो आपने एडिशनल बोनस पॉइंट लिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटे पानी। काना या मलू, वो करता था, कानू या मलूना, वो सब करते थे, कुंता था मलू, आप करते थे, कुंतु आमलू, मैं करता था, कुंतुम कुंतुम ता मलू, आप सब करते थे, कुन्ना ना मलू, हम सब करते थे। सो ये वही वाला माना है जैसे अभी हमारी एक सिस्टर कह रही थी कि वो किया करता था, मतलब मुसलसल कर रहा था, मुसलसल किया करते थे, और इस सेंस में ये आ गया। अभी इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ हल्का सा ज़हन में रख लें, क्योंकि कुरान में इस तरह से बहुत से जुमले बनते हैं, लिहाजा हमें ये पता हो, अरबी बोलचाल में इसको दोहरा लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। सो आइए कौन जवाब देगा, हल्का ना या मालू, आप सारे ही दें जवाब, चलें जरा थोड़ी नाम काना या मालू, ठीक है, और हल्का नु या मालून, नाम कानू या मालून, और साथ जहन में सेंस बनाएं थोड़ी देर रुक के, आप समझ भी आ रही है आपको आप क्या कह रहे हैं। हल कुंता तामलु, नाम कुंतु आमलु, इशारा किधर किया आपने, नाम कुंतु आमलु का अपनी तरफ। हाँ जी हाँ जी, माशाल्लाह सिस्टर एनी सैयद तो वो जरा अगले स्टेज पर चली गई हैं, तो माकानु यफलून, वो हमें यहाँ पर कुरान पाक से रेफरेंस भी दे रही हैं, बड़ा अच्छा, अलसो विबल कुफार माकानु यफलून, ठीक है। तो हल कुंतुम तामलून, नाम कुन्ना नामलून, एक्सेलेंट, चलें जी चलें। हल कानु यामलून खैरा, क्या होगा इसका जवाब, ढूंढ के बताना है आपने सोच समझ के। नाम हमने देखना ये होता है कि इसका मुदारे में क्या हो रहा है। तो काला से बना था यकूलू, और हमारी बहन ने आ चुके प्रैक्टिस कराई है, तो अब तो काना से यकूनू वाला जो सिलसिला है वो बड़ा ही आसान हो जाना चाहिए हमारे लिए, लिहाजा मैं ज्यादा इसकी तफसील दिखा नहीं रहा, आराम से हम इसको कर लेते हैं। यकूनू वो होता है, अब वो पहले था ना, वो था तो वो होता है होगा, यकूनू वो होता है, यकूनू ना वो सब होते हैं, तकूनू आप होते हैं, अकूनू मैं होता हूं, तकूनू ना आप सब होते हैं, नकूनू हम सब होते हैं, तो तकूनू वही औरत होती है जी। करवाइए, कौन करवाएगा, तो सिस्टर जरा नए नए लोगों को करवाने दें आप लोग, सिस्टर सारा करवाइए। यकूनु वो होता है, यकूनूना वो सब होते हैं, तकूनु आप होते हैं, अकूनु मैं होता हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, नकूनु हम सब होते हैं। एक्सीलेंट सिस्टर फौजिया हसनैन आप भी करवा दें। अस्सलाम वालेकुम सर। यकूनू
वो होता है या कुनूना वो सब होते हैं, तकुनु आप होते हैं, अकुनु मैं होता हूँ, तकुनूना आप सब होते हैं, नकुनु हम सब होते हैं, तकुनु वो औरत होती है। एक्सीलेंट सिस्टर, बहुत खूब। मोहम्मद फरजान आप करवाइए। यकुनु वो होता है, यकुनूना वो सब होते हैं, तकुनु आप होते हैं, अकुनु मैं होता हूँ, तकुनूना आप सब होते हैं, नकुनु हम सब होते हैं, और तकुनु वो औरत होती है। एक्सीलेंट सिस्टर, बहुत अच्छा हो गया, जबरदस्त। तो ये जी हमने किया इसका मुदारे बना लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह, और वही तरीका जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम काना यकुनु से हमने या को हटाया, आखिरी को वो किया, वाव गिर गया और ये बन गया कुन। तो काना यकुलू जैसे था और उससे कुल। तो कमजोर हरफ ने कहा जी मैं तो भाग रहा हूं, तो आपने बना लें इसको और वो बन गया कुन। तो हमने बना कहा कुन, और ये कुन आपको पता है ना हो, और कुरान में भी आया ना अल्लाह क्या कहता है, कुन फयकून, कुन फयकून, ये कितना मजे का है, कुन हो फयकून प्लस यकून वो हो जाता है। तो हाँ, ये मजे की बात कही है हमारी बहन ने, कितना जबरदस्त। देखें तो हमें सीखने का ये फायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम अब इन चीजों को और इंजॉय कर सकते हैं। तो कहिए कुन हो जा, कुनू। अच्छा, जब मैं ये कह रहा होता हूँ आप सबने साथ कहना, भी ये भूल तो नहीं गए होंगे उस वक्त भी, जब प्रैक्टिस हो रही हो सब करवाएंगे तो हम साथ साथ करेंगे। कुन हो जा, कुनू हो जाओ, ला तकुन मत हो जा, ला तकुनू मत हो जाओ। और इसमें हमने याद रखना, जब हम कुन कुनू भी कहते हैं, ला तकुनू कहते हैं, तो मुखातिब आमने सामने बात हो रही होती है ना, तो वो तुम ही मुराद होता है उससे। ठीक हो गया जी। सो अच्छा, सिस्टर कह रही है वो होता है क्यों, मीनिंग व्हाई नॉट, वो है वो होगा, वो ये इस सेंस में भी ले सकते हैं, दोनों में ठीक है, होगा कि सेंस में ठीक है। तो अब जी करवाइए जी, कौन करवाएगा जी? जी सिस्टर, सिस्टर नहीद करवाइए। कुन हो जा, कुन हो जा, कुनु हो जाओ, लता कुन मत हो, लता कुनु मत हो जाओ। अच्छा, ये जो हमारे भाई बोलते हैं ना, तो आप हाथ खड़ा किया करें ना, ताकि आपको भी हम ले लें और आप करवा भी लिया करें। सिस्टर साइमा करवाइए। कुन हो जा, कुनू हो जाओ, ला तकुन तू मत हो, ला तकुनू तुम सब मत हो। ठीक हो गया। चलें जी, आईपैड करवाएं। सिस्टर जाहिदा है मेरे ख्याल से जी। जी, कुन हो जा, कुनू हो जाओ, ला तकुन तू मत हो, ला तकुनू तुम सब मत हो। ठीक है, ये ना भी कहे तुम सब, बहरहाल ठीक है जैसे क्या जी। चलें ठीक हो गया जी। सो ये हमने अम्र के सीगे भी कर लिए। तो अब आपको जब कहा जाएगा कुन, तो आप क्या कहेंगे, अकुनू मैं हो जाता हूँ, कुनू तो आप कहेंगे नकुनू। ये जरा थोड़ा सा जाहिर है, हम कहें कि हो जा तू, अच्छा चूंकि वो सेंस उस तरह बन रही है, ठीक है इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और ला तकुन ला अकुनू, ला तकुनू ला नकुनू, और इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये है मजे की चीज। आइए जी, कुनु मा सादिकीन, ठीक है, तो क्या कहेंगे आप? और ये भी पता चल जाता है कौन गलत लिख रहा है ना, तो वो फिर लिखा हुआ आ जाता है ना, आप बयान नहीं बदल सकते। अब देखे ना, आ गया बयान, एक दो बयान आ गए हैं गलत और मेरे पास रिकॉर्ड हो गए हैं। तो जी डी है, हो जाओ मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, ठीक है। और जब इस तरह कुछ आए तो जाहिर है सादिक से सादिकीन, सच्चे
कुनु हो जाओ मा साथ, तो आप एक को कहेंगे तो क्या कहेंगे? कुन मा सादिकीन, हो जा सच्चों के साथ। ठीक है, चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। अब इससे हम इसम फाइल और मफूल बनाएंगे, काइन और डैश कौन। काइन असल में होने वाला, तो वो होने वाला खुद ही जो है ना, असर भी होने वाला खुद ही है ना, तो इसलिए इसका मफूल नहीं बन रहा। काइन होने वाला और कौन, काइन डैश कौन, काइन डैश कौन, काइन होने वाला डैश कौन, कौन क्या होना, उस प्रोसेस का नाम। चले करा दें फटाफट प्रैक्टिस, तो हम इसको जी कौन करवाएगा, सिस्टर नाहिद करवाइए। काइन होने वाला डैश और कौन होना, होना, एक्सेलेंट जी। काइन होने वाला डैश कौन होना, तो हमारा टेबल इसके साथ ही मुकम्मल हो गया। ठीक है जी। सो कान यकूनु और कुन, काइन डैश कौन, ये अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट टेबल हम कर लेंगे। तो आपने इसको दोहराना है, और जितना दोहराएंगे इंशाल्लाह उतना फायदा होगा। कोई दोहराना चाहता है शॉर्ट टेबल को, एक दो दफा दोहरा दें, कम से कम तीन दफा तो जरूर दोहरा दिया करें जी। करवाइए ब्रदर। यकूनु कुन काइन कौन, काइन डैश कौन। अच्छा, ये काइन डैश कौन हम इसलिए कहते हैं ताकि हमें याद रहे कि काइन जो है ना होने वाला इसम फाइल तो है, डैश मफूल नहीं है इसका, और कौन जो है वो मस्दर है। ठीक है, तो चलें सिस्टर करवाएं, सिस्टर सारा आप भी करवाएं। काना वो था, यकूनु वो होता है, कुन तू हो, काइन होने वाला, डैश कौन होना। एक्सेलेंट, एक और करवा दें सिस्टर अरुमा, आप करवा दें। काना वो था, यकूनु वो है, सर इसको वो है भी कह सकते हैं ना। ठीक है, हाँ जी। कुन तू हो, काइन होने वाला, डैश कौन होना। एक्सेलेंट सिस्टर, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने करवा दिया। और इतनी दोहराई हम इसलिए कम से कम कर लेते हैं कि यहीं से आपका अच्छा सा हो जाए। तो हमने अभी पढ़ी है काइन और डैश, इसकी तीन चाबियां हैं, नहीं दो ही हैं, कौन, तो ए आंसर हो गया। आइए अब जहां मजे की चीज है, अब जरा गौर से जवाब देना है आपने। काना की तरह है जाका, जाका यजूकू, तो उसने चखा। अब जरा बताएं इसकी, इसकी बताएं चाबी, इसका आंसर बताएं मुझे। सॉरी, तीन चाबियां, अफाल की तीन चाबियां, अफाल की तीन चाबियां आंसर करें, देखते हैं कौन ठीक कर रहा है। मैं देखता हूं ना रिकॉर्ड, चैट बॉक्स में करें पास, मेरे पास रिकॉर्ड आए, देखें कौन पास हो रहा है, कौन रह गया, किसी ने कर दिया ना गलत, देखें तेजी में ये होता है। अफाल की तीन चाबियां, फेल और इसम फर्क देन रखा करें, अस्मा की नहीं, अफाल की। हाँ, अब अभी भी एक और गलत गया, ये थोड़ा मसला है भाई, ये क्यों हो रहा है, हैं ये क्या कर रहे हैं, मुझे परेशानी दे रहे हैं आप। मैं आप लास्ट चांस दे रहा हूं, जो हाँ बिल्कुल सही है। अब देखे ना इन्होंने, ये है जाका यजूकू जुक, अभी तो आपने कहा है काना यकूनु कुन। अब देखे ना ये हमने थोड़ा सा सोच कर कर लिया करें, कोई बात नहीं। जाका यजूकू जुक, काना पढ़ा ना, तो ये आपको टेबल खुद ब खुद आ जाना चाहिए। चले और थोड़ा चैलेंज देते हैं आपको, आइए इसका तर्जमा कीजिए। मैंने ये तो बता दिया जाका, उसने चखा, तो तजूकूना क्या होगा, तजूकूना, हाँ मुदारे है और सामने की तरफ है, तो तुम सब चखते हो, चखोगे। ठीक है, चलें अगला। जाकू वबाल, वबाल ये जो उर्दू में हम कहते हैं ना वबाल, वो वबाल, तो जाकू, जाकू का इशारा भी करें ना, जाकू वबाल, नहीं नहीं ये आंसर आप लोग, उन सब ने चखा वबाल, आप साथ साथ टेबल कर लिया करें ना, जाका जाकू, तो काना कानू, कुंता, तो यहां क्या बनेगा, जुकता जुकतू,
तो इसलिए उन सब ने चखा जाकू वबाल, तो उन सब ने चखा वबाल, ठीक हो गया। चले जी, चलिए अब जरा तर्जमा कीजिए खुद से अरबी में तर्जमा, तुम सब चखते हो, जल्दी कर लें जरा ताकि हम पूरे वक्त पर ही टेन टेन अभी मेरे तजुकुना तुम सब चखते हो, ठीक हो गया, वेरी गुड, ओके। हल यजुकु, और जवाब में हम क्या करेंगे जब यजुकु आएगा, हल यजुकु तो नाम नाम यजुकु। चले हल हुम जायकून, क्योंकि इसका बनेगा ना जायक, हम जायक चखने वाला, उसकी जमा जायकून, तो हल हुम वो सब है, तो बिल्कुल ठीक है, नाम हुम जायकून, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है ना, मजे की चीज है ना, आपके साथ साथ ही प्रैक्टिस हो रही है, हालांकि ये आपने बाद में करना था। चलें जल्दी से बता दीजिए, अरबी बनाइए, तुम सब जानते थे, कुंतुम तालमून, तुम सब कुंतुम तालमून, अच्छा जी, और कोई, सबको जरा दो चार और लोगों को प्रैक्टिस करने दें। और कोई नहीं करवाएगा, बोले ना जी, और लोग भी बोले, कुंतुम तामलून, कुंतुम तामलून, तामलून कैसे हुआ, जानते थे, ये क्या था, आलमू से, हाँ जी, कुंतुम आलमून, आलमूना, आलमून नहीं, तुम सब जानते थे, याद रखना है जो माजी जो है ना, जिस तरह होगा ना उसी तरह रहे ना मुजारे भी, तालमून, कुंतुम तालमून, ठीक है जी। उर्दू में तर्जमा करें, इन कुंतुम तालमून, जो आप देखे लिखा, अगर बेशक तुम सब जानते, नहीं नहीं, इन अगर, इन अगर, अगर तुम सब जानते होते, हाँ जी, हल कुंतुम तालमून, ये तो आप जवाब दे ही सकते हैं। चलें ये देखें, काना ही की तरह जाका है, उसका चखा, ये आपको मैंने करवा भी दिया है, साथ आपने इसको कर लेना है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी जनाब, खाना।